अच्छा लगा मैनू किरदार तेरा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा इस तरह की वीडियो एडिटिंग आप भी कैसे कर सकते हो अपने इनशूट ऐप के जरिए। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले इनशूट ऐप को ओपन कर लेना है। वीडियो के ऑप्शन पे आएंगे, न्यू के ऑप्शन पे आ जाएंगे और जहां आपने अपनी कोई भी वीडियो ले लेनी है, तो जहां से मैं एक वीडियो मैंने यूट्यूब से डाउनलोड की है तो सिंपल वीडियो ले लेता हूँ। वीडियो लेने के बाद सिंपल हमने सबसे पहले इसके वॉल्यूम को कर देना है ज़ीरो, वॉल्यूम को ज़ीरो कर देते हैं। उसके बाद आपने आना है यहाँ कन्वे के ऑप्शन पे, जहाँ से जो साइज़ पे आप बनाना चाहते हैं सिंपल आपने वो साइज़ सेलेक्ट कर लेना है। तो जहाँ से मैं ये 4.3 वाले को सिलेक्ट कर लेता हूँ, ओके करते हैं। ओके करने के बाद सिंपल आपने आना है जहाँ म्यूज़िक के ऑप्शन पे, जहाँ एक्सट्रैक्ट पे आ जाना है। जहाँ एक्सट्रैक्ट ऑडियो के ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ से जितना आप म्यूज़िक लगाना चाहते हैं सिंपल आपने उतना ले लेना है और बकिया हिस्सा वीडियो को आप ट्रिम कर दें। तो हम बकिया हिस्सा इसका कर देते हैं सेपरेट करके डिलीट कर देते हैं, तो ये इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल जहाँ क्लिक करेंगे और फिल्टर के ऑप्शन पे आएंगे और जहाँ आप कोई फ़िल्टर भी लगा सकते हैं, तो अगर लगाना चाहें तो सिंपल आप कोई फ़िल्टर लगा लें, तो नहीं तो आप एडजस्ट पे आ गए, इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर दें, थोड़ी सी इसको अच्छी लुक आपकी स्टर्स की देखने को मिले। तो हम इसकी थोड़ी सी एडजस्टमेंट कर देते हैं, आप अपनी हिसाब से अपनी वीडियो के हिसाब से आपने इसकी एडजस्टमेंट करनी है। तो मैंने एडजस्टमेंट कर दिया। उसके बाद सिंपल आपने आना है इस तरफ, आपने बॉर्डर लगाना है। सिंपल आपने PIP के ऑप्शन पे आना है, जहाँ आएंगे फोटो के ऑप्शन पे और जहाँ से आपने वो ले लेनी है PNG आपको मिल जाएगी नीचे डिस्क्रिप्शन में, तो ये फिट हो गया है। उसके बाद आपने इसको भी स्टेटस की ड्यूरेशन के साथ मिला देना है, आगे वाला हिस्से को सेपरेट कर दें। उसके बाद सिंपल आपने ओके कर दें और फिर उसमें आ जाएं PIP के ऑप्शन पे और जहाँ से आपने अपना नेम वगैरह जो लगाना चाहते हैं आप, अपना लोगो वगैरह वो आप लगा दें, ऊपर लगा दें, नीचे लगा दें, कहीं पर भी लगा सकते हैं। तो हम नीचे इस तरफ लगा देते हैं। अगर आपको लोगो बनाना नहीं आते, मेरे चैनल पे 2-3 वीडियो पड़ी हुई हैं, आप उसको वॉच करें, आपको पता चल जाएगा वो बहुत ही अच्छे अच्छे लोगो आप बना सकते हैं। उसके बाद आपने ओके करना है। ओके करने के बाद सिंपल आपने अब अपने लिरिक्स ऐड करने हैं। सिंपल आपने टेक्स्ट के ऑप्शन पे आना है, जहाँ लिरिक्स के ऑप्शन पे आ जाना है। सबसे पहले इमोजीज 2 ले लेनी है, उसके बाद आपने एक के ऑप्शन पे आना है और जहाँ से आईफोन वाला फ़ॉन्ट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने जहाँ इन एनिमेशन पे आना है और जहाँ से आपने नीचे आपको ये मिल जाती है बल्ब वाली, तो आपने ये अप्लाई कर देनी है। ओके करेंगे, इसकी ड्यूरेशन आपने स्टेटस की ड्यूरेशन के साथ मिला देनी है इस तरह से, तो उसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा। उसको अब बाद आप जितना इसको ऊपर रखना चाहती हैं ऊपर रख लें, नीचे रखना चाहते हैं नीचे रख लें और इसका साइज छोटा बड़ा भी कर सकते हैं। उसके बाद हम अपने लिरिक्स ऐड करते हैं। तो सिंपल आपने सबसे पहले आना है जहाँ मैंने लिरिक्स लिखे हैं, तो मेरी पहली इमोजीज है, तो सिंपल हम इमोजीज को सिलेक्ट कर लेते हैं। उसके बाद सिंपल हमने इसको पकड़ कर नीचे लेकर आना है, ऐसे इस तरफ इधर लेकर आना है। इधर ले कर आने के बाद सिंपल आपने एडिट के ऑप्शन पे आना है, एनिमेशन के ऑप्शन पे आना है, जहाँ से कोई भी एनिमेशन दे सकते हैं, तो जहाँ से हम ये सेकंड नंबर वाली को दे देते हैं। देने के बाद सिंपल इसको भी आपने पकड़ कर अपनी वीडियो की ड्यूरेशन के साथ मिला देना है इस तरह से। उसके बाद आपका पहला लिरिक्स यहाँ आता है, तो सिंपल आपने जहाँ से इसको सेपरेट कर लेने हैं और एडिट के ऑप्शन पे आएंगे। एडिट के ऑप्शन पे आने के बाद सिंपल आपने अपने जहाँ से अपने लिरिक्स लिखे हुए हैं तो वो ऐड कर देंगे। तो पहला लिरिक्स हमारा कुछ इस तरह से है। उसके बाद आपने ए के ऑप्शन पे आना है और जहाँ से ये वाला फ़ॉन्ट को अप्लाई कर देना है। आप इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं, तो लेकिन हम इसको वाइट कलर ही देंगे। उसके बाद ये इस तरह से आ जाएगा, तो आपको चेक करवाते हैं। तो इस तरह से इसको बड़ा करना चाहें तो सिंपल आपने जहाँ क्लिक करें और फिंगर की मदद से इसको बड़ा कर लें, ऐसे जहाँ रखना चाहते हैं लगा लें। इमोजीज को जे वाली को थोड़ा सा ऊपर कर दें, तो ये इस तरह से आ जाएगा। और जहाँ तक हमारा पहला लिरिक ख़त्म होता है, जहाँ से सेपरेट करें एडिट के ऑप्शन पे आएंगे, तो इस तरह से आपने अपने सभी लिरिक्स लिख लेने हैं। तो हम जल्दी जल्दी लिख लेते हैं, प्ले कर आपने सुन लेना है और साथ साथ आपने अपने सभी लिरिक्स ऐड करते जाना है। तो सिंपल
आप इस तरह से अपने सभी लिरिक्स ऐड कर सकते हैं। तो बहुत ही आसान तरीका है, और जो सा आपका कट हो रहा हो तो सिंपल आपने इसको ऐसे करेंगे, तो सिंपल जैसा कि वो कट हो रहा है तो सिंपल एक ये और ये, तो ये हो गया है सेट। तो इस तरह से आपने अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेने हैं। तो हम अपने सभी लिरिक्स ऐड कर लेते हैं और आपको बाद में चेक करवाते हैं। तो जो सा हमारा आखिर वाला लिरिक्स ये वाला है, तो उसके बाद हमने आगे वाला लिरिक्स ऐड करना है। तो जहाँ से सेपरेट करेंगे, सेपरेट करने के बाद आगे वाले को हम पेस्ट कर देते हैं। तो ये वाला है। इस तरह ही आपने सभी अपने लिरिक्स ऐड कर लेने हैं। आपको हमने समझा दिया है, आप इस तरह से अपने लिरिक्स ऐड कर सकते हैं। तो ये हमने अपना लिरिक्स ऐड कर दिया, और आखिर पे एक लिरिक्स ऐड करके चेक करवा देते हैं इस तरह से। तो ये इस तरह से आपकी वीडियो बनकर तैयार होगी, आप देख सकते हैं इस तरह से। तो उसके बाद आप इसको कर लें अपनी गैलरी में, उस पर एक्सपोर्ट कर लें, सेव कर लें। आई होप आप मुझे हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर देना।